नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, पीएम मोदी की एम्बुलेंस को रास्ता देने का सीन तो आप कई बार देख चुके हैं। कई राज्यों के चुनाव प्रचार में पीएम मोदी ऐसा कर चुके हैं, एम्बुलेंस को उन्होंने कई बार रास्ता दिया है। लेकिन अब विपक्षी नेता पीएम मोदी के दो वीडियो वायरल कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि एम्बुलेंस को रास्ता देने वाले प्रधानमंत्री लोगों के गिरने पर रुके क्यों नहीं, पीएम मोदी ने संवेदनशीलता क्यों नहीं दिखाई। पहला वीडियो मध्य प्रदेश के जबलपुर का है, जहां पीएम मोदी का रोड शो हुआ था 2 दिन पहले। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुछ लोग जो साइड में खड़े थे, मंच बनाया हुआ था, गिर जाते हैं और पीएम का काफिला रुकता नहीं। इसे लेकर कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंडे पाटिल ने यह वीडियो शेयर किया है। ये पीएम मोदी जनता का अभिवादन कर रहे हैं, सड़क के दोनों तरफ पब्लिक है और यहां बराबर में जो पब्लिक है, ये देखिए, अचानक मंच गिरेगा और लोग गिर जाएंगे। देखिए, लोग गिर गए और पीएम मोदी की गाड़ी नहीं रुकती है। पीएम मोदी हाथ तो करते हैं कि ये क्या हुआ, लेकिन गाड़ी नहीं रुकती है। और इसे लेकर अतुल लोंडे पाटिल, कांग्रेस के प्रवक्ता, कहते हैं कि मोदी के बहकावे में ना आओ, अपनी जान बचाओ। रोड शो के दौरान स्टेज टूट गया, जिस पर 20 से 25 लोग गिर गए, लेकिन मोदी ने रैली नहीं रोकी। आंखों के सामने हुए हादसे को नजरअंदाज कर हाथ हिलाते हुए आगे निकल गए। मध्य प्रदेश की इस घटना पर पवन खेड़ा कहते हैं कि कोविड में लाखों लोग मारे गए, साहिब ने अपना शो नहीं रोका। इवेंट के प्रति साहब की प्रतिबद्धता जग जाहिर है। तो ये कांग्रेस प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं कि पीएम मोदी को गाड़ी रोकनी चाहिए थी। कम से कम बाजू में खड़े नेताओं को बोल देते कि एक बार देख के आओ, किसी को ज्यादा चोट तो नहीं लगी। इसके बाद एक और वीडियो वायरल किया जा रहा है। सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस प्रवक्ता, उन्होंने ये वीडियो शेयर किया है। ये पीएम मोदी की रैली का वीडियो है और इसमें पब्लिक का अभिवादन स्वीकार कर रहे, लोगों से मिल रहे पीएम मोदी। उसके बाद एक बुजुर्ग कैसे गिरते हैं, जरा देखिए। ये गिर गए बुजुर्ग। ये वीडियो देख सकते हैं कि पीएम मोदी को नमस्ते करने के बाद बुजुर्ग गिर जाते हैं और बीजेपी के बाकी नेता आकर उठाते हैं बुजुर्ग को, संभालते हैं और पीएम मोदी आगे निकल जाते हैं। अभी से लेकर भी ट्रोल किया जा रहा है। सुरेंद्र राजपूत कहते हैं कि मोदी जी को बुजुर्ग की, उसके गिरने की कोई परवाह नहीं है। लेकिन वीडियो को आप एक बार फिर से देखेंगे तो देखेंगे कि पीएम मोदी नमस्ते करने के बाद आगे निकल गए थे, उन्होंने देखा नहीं, उनको मालूम नहीं चल पाया कि बुजुर्ग गिर गए हैं। तो यहां पर यह नहीं कह सकते कि पीएम मोदी की कोई गलती है या फिर उन्होंने नजरअंदाज किया, उनको इस बात का पता नहीं चल पाया कि उनके पीछे बुजुर्ग गिर गए हैं। तो इसको लेकर मुझे लगता है कि ट्रोलिंग गलत है। लेकिन पहले वाला जो वीडियो था जबलपुर का, उसमें पीएम मोदी को कम से कम गाड़ी रोकनी चाहिए थी और घायल लोगों का संज्ञान लेना चाहिए था। दोस्तों, एक बात और मुझे समझ नहीं आती कि रैलियों में और रोड शो के दौरान पब्लिक इतनी परेशान होने क्यों जाती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी रैलियों में वही भीड़ कांग्रेस की रैली में जाती है, वही बीजेपी की रैली में जाती है, कई सारे खर्चे करके भीड़ बुलाई जाती है और फिर कहा जाता है कि देखिए कैसी लोकप्रियता है। आपने कई बार ये भी देखा होगा कि कितने लोगों को उतने वोट नहीं मिल पाते जितनी भीड़ जुटा लेते हैं। ये हमारे देश में भीड़ की हकीकत को दिखाता है। तो ये रैलियों वाला कल्चर है, इस पर पब्लिक को ध्यान देने की जरूरत है कि बेवजह परेशान ना हो, अपनी सेहत का ध्यान रखें। अगर कहीं मंच पर खड़े होते हैं किसी नेता की दीवानगी में, तो ये चेक जरूर कर लें कि कितना मजबूत है, कहीं गिर तो नहीं जाओगे, वरना ऐसी दीवानगी भारी पड़ जाती है। नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसके लिए सिर्फ मार्केटिंग का एक हिस्सा हो, ये दिखाने के लिए कि देखिए मेरे रोड शो में कितनी भीड़ आई है। आप रैलियों और रोड शो में जुटने वाली भीड़ को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।